के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बढ़ोतरी की जा रही है। लखनऊ स्थित उनके कार्यालय की सुरक्षा को और भी कड़ा किया जाएगा और इसके लिए पूरे कार्यालय को बुलेट प्रूफ किया जाएगा। सीआईएसएफ ने लोक भवन स्थित सीएम ऑफिस में बाहरी तरफ लगे शीशों को सीएम की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। इसीलिए राजकीय निर्माण निगम को अब सीएम योगी के लखनऊ कार्यालय को बुलेट प्रूफ बनाने के निर्देश दिए गए। इस मामले पर गृह विभाग के अधिकारी ने कहा कि सीएम कार्यालय में सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाने और इनके जरिए पूरे परिसर पर नजर रखने की भी व्यवस्था होगी, जबकि लोक भवन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाए जाएंगे। सीएम कार्यालय के शीशों को बुलेट प्रूफ बनाने के साथ लोक भवन के पंचम तल पर एक एक्सरे बैगेज स्कैनर भी लगाने को कहा गया है। ऑफिस के चारों ओर लेजर आधारित या इसी तरह का कोई अन्य इंटरजेंट डिटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा। इसके साथ ही परिसर के वॉच टावरों को भी 10 दिन में नेट से कवर करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई ग्रेनेड से नुकसान न पहुंचा सके। इन परिसरों के पार्किंग स्थल में एंटी सेबोटाज जांच होगी। इसके अलावा लोक भवन के सुरक्षा कर्मियों को एटीएस से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। दरअसल विधान भवन सचिवालय परिसर और लोक भवन की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की रिपोर्ट पर अपर मुख्य सचिव गृह एवं गोपन अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में हुए कई निर्णय लिए गए हैं। सचिवालय के गेट नंबर 7 से सीएम के प्रवेश और निकासी की संस्तुति की गई है। इस गेट के सामने से अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं मंत्री विधायक और अधिकारी विधान भवन में गेट नंबर 8 और 9 और लोक भवन में गेट नंबर 1 और 3 से आवागमन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में विधान भवन परिसर में चौपहिया वाहन RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग से और दोपहिया वाहन स्मार्ट कार्ड से एंट्री पाएंगे। पैदल आने वाले लोक भवन के गेट नंबर 6 और 6A से अस्थायी फोटो आइडेंटिटी कार्ड जारी करा के जांच के बाद प्रवेश पा सकेंगे। यानी कि यूपी के सीएम योगी की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। इस खबर पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।